गधेरे बोल गया आप। हाँ ये गधेरा है, देखो ऊपर को। अबे 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 आराम से ले, गिरने वाला है। अबे भाग भाग। तो भाई साहब आज सुबह सुबह वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ मैं, और देख पा रहे होंगे गधेरे में कर रहा हूँ बिल्कुल शूट, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ का एक गधेरा है ना, जो गांव के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, गधेरे का नाम है बुजड़ी गधेर। तो वो गधेरे में ना बोल रहे हैं कि डरा रहा है सबको, हप्पू की मम्मी है उन लोगों को भी डराया, और काफ़ी बुबू लोगों को भी जो है डरा दिया है, और वहाँ पे बीड़ी के बंडल वगैरह रखे, वो चीज़ जो है साफ हो गए। हालांकि आज के टाइम पे ये सब वैसे एक तरह से पागलपन बोलो या झूठ एक तरह से बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है इतने सयाने लोगों को कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत हाँ भाई कुछ हो सकता है, या किसी और बंदे की जो है साजिश हो सकती है। तो क्या कुछ है इसके पीछे, आज जो है इस चीज़ का सर्वे करने हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ में सज्जू भाई और जो कि आने वाले हैं हमारे साथ। और भाई सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसडी पहाड़ी के एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डरावना बोल सकते हो एक तरह से, क्योंकि डरावना तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं ऐसे और आप देख रहे हो वीडियो में, तो भाई डरावना तो हमारे लिए ये पल होने वाला है, क्योंकि भाई जो हमारे सयाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने बोल रखा है मैं कि यहाँ पे डरा रहा है करके, डरा रहा है आज के लिए मतलब। तो देखते हैं भाई क्या सीन है यार, जो बिल्कुल जिनपे डंगरी भी आता है भाई, जो मछान बिल्कुल भगा देते हैं मछान को, डंगरिया जो नाचते हैं उनको तक डरा दिया, तो भाई हम क्या चीज़ों सीखे सामने। चलो हमें डराएगा तो हम वो जी आप लोग भी देख लोगे, यानी कि हमको डराना है आपको डराना है एक ही बात है। तो देखते हैं हमें डराता है कि नहीं डराता है, चलते हैं। और वैसे लगे बड़े हम गधेरे देखो बिल्कुल किरमोड़ी गाड़ी की तरफ रास्ता, जो स्थानीय लोग ब्लॉग देख रहे होंगे ना वो लोग समझ गए होंगे, और जो लोग बाहर से देख रहे हैं ना उन लोगों को कुछ याद आ रहा होगा भाई, जो अभी बाहर नौकरी करने गए हैं या बाहर वो रहने लग गए हैं, उन लोगों को कुछ याद आया तो कॉमेंट करना। अरे यार रोज अकेला होना, वहाँ पे अकेला जाने पक्का नहीं हो, झूठ बुलाया शायद बुलानी है। और यह सुनो ना, वहाँ बीड़ी सिगरेट धरीबल सब धरीबल, कुछ पाउडर सामान अगरबत्ती सब धरे, सब साफ हो गया। बाढ़ में मिल मले हमें जो रोज होने रहती बुजड़ी गधेरे बोल गया आप। हाँ ये गधेरा है देखो ऊपर को। अरे गधेरा है पल्ला वाला, तो इस गधेरे में जो है मैं जाना है यहाँ पे, देखते हैं फिर डराता है हमें क्या करता है, क्योंकि दिन दहाड़े डरा रहा है ऐसी जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं हल्का हल्का इसलिए बोल रहा हूँ कहीं डरों कहीं डराने वाला हमारी बात ना सुन ले, और झट करके मुँह पे आ जाए मेरा चप्पल भाई, मत जा बोल रहा है, देखो मेरा चप्पल बोल रहा है मुझे मत जा। सज्जू भाई आगे आगे जा रहा भाई, आगे से आएगा झट करके भाई 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 भाई। मैं भी कुछ इस तरह का वीडियो या इस तरह का फील जो है पहली बार ले रहा हूँ, इस जगह जो है पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ही कहीं ना ऐसे बोल रहे थे वो कि हमको डरा दिया, और हमारा घास का गटर जो है ऐसे हिला रहा था वगैरह, क्योंकि बड़े लोग तो झूठ बोल नहीं सकते। तो भाई चलते हैं। तीमुल का पेड़ दिखाया, तीमुल के पेड़ पर भूत बैठते हैं। कहाँ चल भाई, क्या हुआ अभी, क्या हुआ, क्या दिख गया उसको, क्या दिख गया। अबे 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 आराम से ले, गिरने वाला है। अबे भाग भाग भाग। अबे उसको पता नहीं क्या दिख गया वहाँ भाई भाई भाई, लोगों ने यहाँ पे देखो घास काट रहे भाई, क्या हुआ अभी, क्या हुआ। हरे कपड़े में देखा उधर, हरे कपड़े में क्या देखा, लहंगा पहना था यार। तो दोस्तों बस मजाक था आपके साथ, सब बस बेटा। उठा के बाल्टी मारेगा, क्योंकि ना ऐसा कुछ होता नहीं है, हालांकि ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पे इन चीजों को मानना भी थोड़ा सही होता है, ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं भाई पत्थर पत्थर में भगवान होते हैं, तो अगर जहाँ पे भगवान है तो वहाँ पे उनके जस्ट अपोजिट, क्योंकि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप उस चीज़ से समझ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ड्राइवर है तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग बोल रहे हैं वो लोग झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतने समाज के सामने बोल रहे हूँ, अगर इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो एक तरह से उनकी क्या इज्जत रह जाएगी मतलब। तो हालांकि उनकी बात को भी मानना सही है, तो बाकी हमें तो डराया नहीं, क्योंकि हम तो भाई हैं अपने आँखों पर देखा देखी भरोसा करने वाले, तो हमें तो कुछ डराया नहीं, यहाँ पर यही गधेरा है,
यहाँ पे जो है डरा रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पे एक दादी अम्मा गिरी थी, वो ऊपर से बुढ़ी अम्मा गिरी थी यहाँ से नीचे, तो बोलते हैं कि वही डराते हैं यहाँ पे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमें यहाँ पे डराया उन्होंने, तो भाई हम मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हमें डराया यहाँ पे, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि हाँ भाई किसी के ग्रह वगैरह होते हैं कमज़ोर, जिन लोगों को हो सकता है ऐसा, यही नहीं कहीं भी हो सकता है उनको, छल छपट्टा मतलब मसाना मसाना कुछ भी लग सकता है उनको, जिन लोगों के ग्रह थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं हमारे घर में। ये बातें भी जो है सच है, वैसे हमारा तो घर ही वादियों में है, तो हमें हमारे घर में कौन डरा सकता है वैसे। तो चलते हैं और इस तरह की हमारी वीडियो थी, ज़्यादा सीरियसली मत लेना वीडियो को, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो और खुलासा एक तरह से, जो कि लोग डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए कि मतलब भाई डरा रहा है यहाँ पे डरा रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ पे गाजर काट रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो, पहले देखो, सब लोग ना आजकल गाजर काट रहे हैं, सारा घास जो है ना उन्हीं लोगों का है, तो ये लोग भी तो काट रहे होंगे। एक तरह से लोगों के दिल में भी खौफ बैठ सकता है, डर बैठ सकता है, क्योंकि हम तो एक पल के लिए आने वाले हैं यहाँ पे, हम तो यहाँ पे खाली एक आध घंटे के लिए आने वाले हैं, वो लोग तो यहाँ पे दिन भर जो है बिताने वाले हैं जब तक घास नहीं कटेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था हमारा सीन कि किसी को डराएं या कैसा कुछ करें, हम हमारा पूरा मकसद था कि खुलासा करते हैं यहाँ का कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इधर पे। तो हाँ, किसी का ग्रह वगैरह कमज़ोर है तो वो लोग मत आए ऐसी जगह पे, आने के बाद अगर आएंगे तो भी हाथ संभाले एक बार, क्या पता लग गया उनको भी। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करते बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।